हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोगों का निशांत भैया। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 में 10.7 लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को थर्ड पार्टी एक्सटेंशन बता दूंगा, जिसमें मैं एक्चुअल में आप लोग को 3 जो आइकन है इसके बारे में बताऊंगा कि ये कौन कौन से आइकन है और क्या क्या वर्क करते हैं। और इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर हमारी 10 तक कंप्लीट हमारा पावर बीआई का हर फंक्शन यहाँ पे विजुलाइजेशन फंक्शन हो गया है। तो यूनिट नंबर 11 में आप लोग यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे हर ईच एंड एवरी चीजों को। मैं यहाँ पर कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा के पूरा नॉलेज हो जाए। और यूनिट नंबर 11 और 12 के अंदर हम लोग रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाएंगे, जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा हमारा। तो आप लोग यहाँ पर इस लेक्चर के साथ जो हमारा एक फाउंडेशन पार्ट था पावर बीआई का, इस पावर बीआई के फाउंडेशन पार्ट को यहाँ पर समझ चुके हैं। एक बार यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 हो जाने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर और भी डैशबोर्ड बनाइएगा, क्योंकि एक डैशबोर्ड मैं यहाँ पर अमेजोन का बनवाऊंगा आप लोगों के साथ, जो होगा हमारा एंड टू एंड प्रोजेक्ट। मतलब कि डेटा को क्लीन करने से, डेटा को इंपोर्ट करने से, पावर क्वेरी के, डेक्स के सारे फंक्शन मैं यहाँ पर यूज करूंगा जितना हम लोगों ने पढ़ लिया, और एक रिपोर्ट बनाऊंगा और इस रिपोर्ट को डैशबोर्ड पर मैं पिन करके लाइव करूंगा। इसके बाद में आप लोग को और भी डैशबोर्ड सीखना होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग आईपीएल का डैशबोर्ड यूज करते हैं, हम लोग नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड बनाते हैं, या फिर मान लीजिए हम लोग कोविड का जो है एक कंप्लीट एनालिटिक्स का डैशबोर्ड बनाते हैं, या पाइथन के अंदर भी उसका एक प्रोग्राम लिखते हैं। कई बार हम लोग यहाँ पर जो है हमारा जो शेयर मार्केट है उसका जो डैशबोर्ड है वो बनाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को लाइव मेरे वर्कशॉप में मिल जाएगी, जिसके लिए आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। और जो भी हमारे शेड्यूल लाइव वर्कशॉप होगी उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को। और मेरी कोशिश भी रहेगी कि जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोग को वो जो हमारी कंप्लीट डैशबोर्ड की सीरीज है वो भी आपको प्रोवाइड करूं, जिसमें आपको टॉप 5 या टॉप 10 डैशबोर्ड जो मैं आप लोग को यहाँ पर बनाकर बताऊं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस लास्ट लेक्चर को, 10.7 लेक्चर को। इसके बाद हमारा फाउंडेशन पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा फाउंडेशन एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग चलेंगे यूनिट 11 और 12 में, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको एडवांस जो मैं पावर बीआई की बात कर रहा हूँ उसके अंदर आप लोग को सीखना होगा यहाँ पर पावर क्वेरीज, उसके बाद यहाँ पर सीखना होगा आपको डैक्स लैंग्वेज, उसके बाद आपको यहाँ पे एम लैंग्वेज सीखना चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस एक्सेल पढ़ लेने के बाद आपको मूव करना चाहिए आपके एसक्यूएल पे। और एसक्यूएल जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका एक डेटाबेस जो है यहाँ पर क्लियर हो जाता है, आपका विजुलाइजेशन टूल्स कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो आप यहाँ पर टैबलू के भी एक आध कुछ प्रोजेक्ट्स जो है बना सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे यूज कर पाए पाइथन को, टैबलू के अंदर भी रन करके देख पाए। उसके बाद आपको जाना चाहिए पाइथन लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के बाद आपको पढ़ना चाहिए स्टैक्स। इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट रोड मैप भी आपको बताया हुआ है, इसी रोड मैप के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग 10.7 लेक्चर पे चलते हैं और एक थर्ड पार्टी एक्सटेंशन आइकन को देख लेते हैं। आप लोग जैसे मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं 10.7 लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्सटेंशन बताया है, जिसके अंदर मैं आप लोग को यहाँ पे ArcGIS मैप, पावर ऑटोमेटेड और पावर एप्स, ये 3 आइकन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि थर्ड पार्टी है। तो आप लोग को यहाँ पर ये आइकन दिख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर जो आप लोग को शो हो रहे हैं, तो मैं आप लोग को यहाँ पर जो ऐसे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये है आपका ArcGIS मैप्स, इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ देखिएगा ये एम्प्टी सेक्शन जो है हमारा ओपन हो चुका है। इस एम्प्टी सेक्शन के अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है इसे लोड होने के लिए। इस एम्प्टी सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर पावर बीआई जो है एक मैप के अलावा यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्सटेंशन देता है जिसको आप यूज कर सको। तो आपको यहाँ पर ArcGIS ऑनलाइन यूज करना होता है या फिर ArcGIS इंटरप्राइजेस यूज करना होता है। तो यदि आपको इसके बारे में डिटेल देखना है तो आप इसकी वेबसाइट में जाइए, इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर जो है इसे ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं इसको ऑलरेडी ओपन एक बार मैं इसे रिलोड कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इसके लिए आपको यहाँ पे प्रीमियम वर्जन लेना पड़ सकता है, जिसको हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। बस मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं ताकि उस टूल्स के बारे में आपको पता रहे। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए इस आइकन को यूज करते हैं, जो है हमारा ArcGIS मैप जो आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइकन की तरफ, जो है हमारा पावर ऑटोमेटेड। अब ये जो आइकन है ये इसका जो यहाँ पर जो ये सिम्बॉल दिख रहा है यहाँ पर एरो के मार्क में, इस आइकन को हम लोग पावर ऑटोमेटेड कहते हैं। तो इसको एक बार हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा एम्प्टी सेक्शन ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप लोग को जो है कुछ इंस्ट्रक्शन जो है शो हो रहे हैं।
यहाँ पर मुझे जो है अपने पावर बी आई सॉफ्टवेयर का जो ऑफिशियल जो मेरा जो बिजनेस अकाउंट है इसको यहाँ पे लॉगिन करना होगा तभी ये वर्क करेगा। बट इसको अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब एसक्यूएल वाली सीरीज पढ़ रहे होंगे तब हम लोग इसे यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है आपका पावर ऑटोमेटेड है जिसमें आपको डेटा को एड ऑन करना पड़ता है और यहाँ पर आप एक क्रिएट कर सकते हैं बटन को ट्रिगर को ऑटोमेटेड टास्क में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग केवल यहाँ पे जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग यूज जरूर करेंगे बट जब हम लोग आगे आने वाली जो सीरीज है हमारी एसक्यूएल की सीरीज है उसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा या फिर जब मैं आप लोग को लाइव डैशबोर्ड बता रहा हूँ तब मैं इस फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए कई सारे डेटा को यहाँ पे एडअप करना पड़ेगा और ट्रिगर बटन जो है उसको ऑटोमेटेड टास्क को बनाना पड़ेगा। तो मैं केवल आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ जिससे कि आपका कोई भी जो टॉपिक है मिस ना हो। यदि आपको इसको डिटेल में देखना है तो एक बार आप यहाँ पर ये जो आप लोग को लर्न मोर का जो आइकन हाइपर लिंक दिखाता है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं और भी कई सारे यहाँ जो फंक्शन है इसे जो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अभी इसको जो है अभी के लिए स्किप कर रहे हैं बट आगे आने वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं आपको इसको अपडेट कर दूंगा जिसमें आपको यहाँ पर इसे बनाने में आसानी हो। अब हम लोग चलते हैं हमारे इस पावर एप्स पे। ये आइकन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा जो पावर एप्स का आइकन है, ये एक्चुअल में ये भी थर्ड पार्टी आइकन है। जब भी मैं मुझे ऐप से रिलेटेड यहाँ पे डेटा को इंटीग्रेटेड करना होता है तो मैं इस आइकन को यूज करता हूँ या फिर इस फंक्शन को यूज करता हूँ। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कैसे इसे यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका फंक्शन दिया हुआ है जिसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहाँ पे लर्न मोर पावर बीआई जो है इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितने सारे यहाँ पे जो फंक्शंस हैं आप लोग को यहाँ पे शो हो रहे हैं। कैनवास ऐप, मॉडल ड्रिवन ऐप, कार्ड्स प्रीव्यू और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो मोबाइल वर्जन है उसको भी हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कई सारे दूसरे टॉपिक्स पढ़ने होंगे तब आप इस फंक्शन को यूज कर पाएंगे। सो चलिए इस तरह से हमने यहाँ पे 10.7 के सारे फंक्शंस को देख लिया है और इसी के साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डेटा विजुलाइजेशन के कंप्लीट हर आइकन को यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए गेट मोर विजुअल्स के अंदर जाके थर्ड पार्टी के आइकन को भी यहाँ पर यूनिट नंबर 9 के अंदर देख चुके हैं। अब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, जिस रिपोर्ट को बनाऊंगा मैं आप लोग को यूनिट नंबर 11 के अंदर मैं आप लोग को शो भी कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप जो डैशबोर्ड देख रहे हैं इस डैशबोर्ड को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट बनाएंगे यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 के अंदर, और इस डैशबोर्ड के अंदर मैं आपको डेटा क्लीन करना, डेटा ट्रिम करना और कई सारे फंक्शंस मैं आप लोग को यहाँ पर सिखा रहा हूँ जो हमारा एंड टू एंड कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होगा। तो हम लोग इस डैशबोर्ड को क्रिएट करते हैं यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 में। आई होप आपको सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर अच्छे तरीके से विजुलाइजेशन समझ आ गए होंगे और हम लोग नेक्स्ट यूनिट में इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।